एक बड़ी खबर के अनुसार मुंबई प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महाराष्ट्र राज्य को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी 65 और 75 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से, इनमें से प्रमुख रूप से कोरेगांव के चिमन गांव स्थित चीनी मिल की जमीन, इमारत, प्लांट और मशीन शामिल है। ये प्रॉपर्टी 2010 में इसी कीमत पर खरीद गई थी। इस वक्त एक बड़ी खबर अजीत पवार की कम से कम 65 से 75 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है मुंबई में।